प्रत्येक मनुष्य, कोई भी मनुष्य, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, यहूदी हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, उपेक्षित हो, मनुष्य मात्र की बात कर रहा हूं मैं। वेद किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं करता उपदेश, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, आर्यों के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। वही बात मैं रखने का प्रयास करता हूं मैं। सारे विश्व में इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों की एक इच्छा समान होती है, सारे ब्रह्मांड की, इस धरती की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी पृथ्वियां हैं उसमें जितने मनुष्य होंगे, असंख्य होंगे, उनकी एक इच्छा समान होती है, मैं सुखी हो जाऊं, दुखी न हो मैं, ये समान इच्छा है। काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, रशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, किसी भी देश का हो, किसी भी मतमंद संप्रदाय का हो, ये शाश्वत सत्य है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुखी ना हो, और इसी के लिए प्रयास कर रहा है व्यक्ति, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी कर रहा है, धंधा कर रहा है, कमा रहा है, विवाह कर रहा है, मकान बना रहा है, गाड़ी ले रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, केवल इसी उद्देश्य के लिए मैं दुखी ना हूं और सुखी हो जाऊं। आज इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण विश्व के अंदर जितने भी महानुभाव हुए हैं, हर देश के अंदर लोगों ने मनुष्य को सुखी बनाने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए खूब प्रयास किया है, अनंत प्रयास किया है, लेकिन एक भूल हो गई। और भूल क्या हुई है, उन्होंने विचार कर लिया कि सुखी होने के लिए हमें अधिकाधिक भोग्य पदार्थों को प्राप्त करना। भोग्य पदार्थ जिससे प्राप्त हो सकते हैं, पांच इंद्रियों के विषय, वो अधिकाधिक प्राप्त करेंगे, हम अधिक सुखी हो जाएंगे, यहां भूल हुई है। भोग्य पदार्थों की आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है, मकान की भी आवश्यकता है, गाड़ी की भी है, कपड़े की भी है, भोजन की भी है, पति पत्नी की भी है, बच्चों की भी है, सब कुछ की है, लेकिन एक बड़ी आवश्यकता जिसको हम भूल गए हैं, उसका नाम धर्म है। व्यक्ति के अंदर जीवन में धर्म नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के माध्यम से कितने संपन्न हो जाए, वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। वेद कहता है कि हम भौतिक दृष्टिकोण से कितने संपन्न हो जाएं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो कठिनाइयां आती है, बाधाएं आती है, उसका समाधान धन नहीं कर सकता। जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो साधन बताए, अभ्युदय और निःश्रेयस। दार्शनिक बात बता रहा हूं मैं आपको, भोग और भोग सामग्रियों को प्राप्त करना और भौतिक दृष्टिकोण से संपन्न सुखी हो जाना, यह अभ्युदय में कहता है। लेकिन आत्मा परमात्मा को जानना, पुनर्जन्म में विश्वास करना, कर्म फल में विश्वास करना, जीवन मृत्यु में विश्वास करना, धर्माधर्म में विश्वास करना, संस्कारों में विश्वास करना, पुण्य अपुण्य में विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर की आज्ञाओं में विश्वास करना, यह अभ्युदय के क्षेत्र में आता है। यह अभ्युदय के क्षेत्र से हटकर के निःश्रेयस के क्षेत्र में आता है। जिस व्यक्ति को ईश्वर के विषय में ज्ञान नहीं है, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं है, पुनर्जन्म के विषय में विश्वास नहीं है, कर्मफल के विषय में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। सुखी होगा, खाने में सुख है, पीने में सुख है, अच्छे कपड़े में सुख है, घूमने में सुख है, नाचने में सुख है, हर प्रकार के भौतिक विषयों में सुख मिलता है, या क्षणिक सुख मिलता है, पूर्ण सुख नहीं मिलता है। मनुष्य ने कितनी भाषाओं को क्यों ने प्राप्त कर लिया हो, कितनी धन संपत्ति क्यों ने प्राप्त कर ली हो, कितनी डिग्रियां क्यों ने प्राप्त कर ली हो, कितना घूम लिया हो, फिर लिया हो, लेकिन जीवन पथ पर चलते हुए पदे पदे विभिन्न प्रकार से संबंधित ऐसे दुख आ जाते हैं, बाधाएं आती है, जिनका समाधान धन से नहीं होता है, मकान से नहीं होता है, लौकिक वस्तुओं से नहीं होता है, उसका उपाय केवल मात्र अध्यात्म है। जिस व्यक्ति के मन के अंदर, आत्मा के अंदर, बुद्धि के अंदर परमपिता परमात्मा के प्रति विश्वास है, सच्चे ईश्वर के प्रति, ध्यान देने की बात है, आज दुर्भाग्य से इस धरती के ऊपर सैकड़ों नहीं है, हजारों प्रकार के ईश्वर बनाकर के लोगों ने कल्पो कल्पना से खड़े कर लिए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सच्चा ईश्वर, कैसा ईश्वर, सच्चा ईश्वर जो वेदोक्त है, आज समाज का दूसरा नियम ले सकते हैं, मोटी बात बताता हूं, जो सर्वव्यापक है,
जो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, हमारे कर्मों का साक्षी है और कर्म फलदाता है। इस ईश्वर को जो व्यक्ति अच्छी प्रकार से जान लेता है, केवल जानना नहीं, जान लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है और अपने मन बुद्धि में स्थापित कर लेता है। विडंबना क्या है? प्रथम तो स्थिति यह है, आज विश्व के आधे से अधिक लोग इस ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ध्यान देना, लगभग 3 अरब से अधिक व्यक्ति संसार के अंदर ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ये चीन भरा पड़ा है, चीन है, रशिया है, युगोस्लाविया है, जितने भी देखिए आप, हमारे देश में मिलेंगे, करोड़ों व्यक्ति इस भारतवर्ष में मिलेंगे आज भी, जो कहते हैं हम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो आधे रखते हैं उनका ईश्वर जो है वो अपूर्ण है, सच्चा नहीं है। केवल मात्र वेदोक्त ईश्वर जो है, उस वेदोक्त ईश्वर को ठीक व्यक्ति जानता है, मानता है, अपने जीवन में स्थापित करके उसके अनुसार चलता है, उसके जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती है और नहीं हो सकती है। महानुभाव, वैदिक ईश्वर की उपासना करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है कि हम उस ईश्वर को अपने मस्तिष्क में हर समय रखें। सभी व्यक्ति आ गए हैं, ना केवल हम किसी अन्य किसी मतमंद संप्रदाय की बात कर रहा हूं, हम जो यहां बैठे हैं, आर्य लोग बैठे हैं, वैदिक धर्मी बैठे हैं, दार्शनिक बैठे हैं, स्वामी ध्यान के अनुयायी बैठे हैं, आर्य समाज को मानने वाले बैठे हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। ईश्वर को केवल जान लेना पर्याप्त नहीं है, मान लेना पर्याप्त नहीं है, स्वीकार कर लेना पर्याप्त नहीं है, उस ईश्वर को अपनी आत्मा के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर हर समय बिठाए रखना अनिवार्य है। एक नियम है ईश्वर का, जितने काल तक हम ईश्वर को अपनी बुद्धि बनाए रखेंगे उतने काल तक हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। ईश्वर से हमको बुद्धि मिलती रहेगी, ईश्वर से हमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हम जो कोई भी कार्य करेंगे, हम जो भी वाणी बोलेंगे, जो भी विचार करेंगे, वो सारे के सारे विचार ईश्वर की ओर से प्रामाणिक होंगे, ईश्वर से पूछ करके करेंगे हम। जो व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा को, जो सर्वव्यापक है, निराकार है, न्यायकारी है, कर्मफल का दाता है, कर्मों का साक्षी है, उस ईश्वर को अपने मस्तिष्क में जितने काल तक मन में बना करके बैठकर बनाकर उपस्थित रखता है, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उसकी प्रेरणा के अनुसार कार्य करता है, उसे प्रमाणिक होकर कार्य करता है, उस व्यक्ति के पास में दुख नहीं आ सकता। ध्यान देना, जो हमारे पास हम बैठे हैं, सारे विश्व के लोग लीजिए, जिनके पास वो कष्ट आता है, दुख आता है, पदे पदे आता है, रोजाना आता है, अपमान होता है व्यक्ति का, लोग झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं, लोग चोरी करते हैं, हमारे पर झूठे आरोप लगाते हैं, विश्वासघात करते हैं और दुखी हो जाता है व्यक्ति। ये दुनिया में अनादि काल से नियम चला आया है, संसार में इस प्रकार से काम होंगे, हुए हैं, वर्तमान में होंगे, आगे भी होंगे। कठिनाइयां आएंगी, बाधाएं आएंगी, कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, इसका समाधान केवल अध्यात्म के माध्यम से है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के अंदर परमपिता परमात्मा को उपस्थित मानता, कैसे, जैसे घर के अंदर हम अपने घर के अंदर माता पिता को देखते हैं, ऐसे ही घर में ये मान के चले मेरे घर में ईश्वर बैठा है, घर में नहीं, मेरे कमरे में बैठा है, मेरे पास में बैठा है, मेरे शरीर में है, मेरे मन में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी आत्मा में है, हर समय। जितने काल तक वैदिक सिद्धांत यह है, दार्शनिक सिद्धांत यह है, जितने काल तक हम अपने मन के अंदर परमपिता परमात्मा को उपस्थित मानते हैं उतने काल तक आस्तिक रहते हैं। ये दार्शनिक परिभाषा, वैदिक दार्शनिक। जितने काल तक ईश्वर को हम बुला देते हैं उतने काल तक हम नास्तिक बन जाएंगे, और नास्तिक व्यक्ति गलत विचारेगा, गलत बोलेगा, गलत कार्य करेगा, परिणाम होगा दुख। दुखों से बचना है, हम परमपिता परमात्मा को हर समय हर पल अपने मस्तिष्क में रखना पड़ता है और ये भावना बनानी पड़ती है, ईश्वर मेरे पास में है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है, मेरे दाएं है, मेरे बाएं है, ऊपर है, नीचे है, अंदर है, मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। कोई भी कार्य मैं ईश्वर से छुप करके नहीं कर सकता। मैं कोई भी कार्य, हम अकेले में हैं, अंधेरे में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, कोई हमको देख नहीं रहा है,
मन में जो विचार कर रहे हैं, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे घर का कोई व्यक्ति देख नहीं रहा है, लेकिन परमपिता परमात्मा हमको देखता है। ऐसा विश्वास जब मन में रहता है व्यक्ति के, वो कोई कार्य गलत नहीं कर सकता। हमसे भूल ये होती है, हमने ईश्वर को माना तो है, जानने का प्रयास तो किया है, हम स्वीकार भी करते हैं, एक घंटे के लिए करते हैं, दो घंटे के लिए करते हैं, ध्यान के समय में करते हैं, सत्संग के समय में करते हैं, चर्चा के समय में करते हैं, भजन के समय में करते हैं, और कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम में समय करते हैं, बाकी दिन भर ईश्वर को भूले रहते हैं। कोई दो घंटे, कोई चार घंटे, कोई बहुत अच्छी आध्यात्मिक आदमी, धार्मिक आदमी हो तो छह घंटे तक ईश्वर को याद करता है, बाकी खाते समय, पीते समय, बोलते समय, स्कूल में, कॉलेज में, जहां भी कार्यशाला है वहां हम जाते हैं, ईश्वर को बिल्कुल भूल जाते हैं। वैदिक सिद्धांत यह है, ईश्वर को हर समय याद रखना है। हमारे स्वामी दयानंद जी जगह जगह लिखते हैं, आर्य विनयम देखिए आप, वेदों में मिलने का आपको, हे परमेश्वर हम आपको प्रत्येक क्षण, एक घंटा नहीं, दो घंटे नहीं, छह घंटे नहीं, आठ घंटे नहीं, दस घंटे नहीं, प्रत्येक क्षण हम आपको याद करके रहें, यदि हम आपको भूल जाएंगे न जाने हमारा क्या होगा। सिद्धांत है ये, हम परमपिता परमात्मा को हर सपने अपने मस्तिष्क में रखें, यदि मस्तिष्क में रखेंगे तो निश्चित बात है हम उस ईश्वर के माध्यम से विशेष ज्ञान, विशेष बल, विशेष आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे। आज हम आर्य लोग, वैदिक धर्मी लोग ईश्वर को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, थोड़ा मानते हैं। यदि हम ईश्वर को ठीक प्रकार जान करके और हर समय हर पल अपने मस्तिष्क में रखें, ये हो नहीं सकता है कि हम दुनिया को बदल ना दें। मानो भाव ये ऋषि लोग हैं, ये संत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, जो अपने स्वार्थों को छोड़कर के देश विदेश में जिन्होंने काम किया है, आज समाज के इतिहास को देखिए आप, पचासों वर्षों तक आज देश के अंदर 25 देशों के लोग यहां पर आ रहे हैं, कहां कहां गए लोग, मॉरिशस में जाइए आप, सुरिनाम में जाइए, गयाना में, ट्रिनिडाड में, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में देखिए आप, इंग्लैंड में देखिए, इधर फिजी में, गयाना में, थाईलैंड में, जहां जहां जाइए आप, हमारे यहां के सन्यासी गए, कितनी शक्ति थी, कितना साहस था, कितना पराक्रम था, कितना उत्साह था, कितनी निर्भीकता थी, ये कैसे आती है, ये परमपिता परमात्मा के माध्यम से आती है। सच्चे ईश्वर को जानने वाला, मानने वाला, स्वीकार करने वाला, अपने मन में रखने वाले व्यक्ति के मन में इतना उत्साह होता है, इतनी आशा होती है, इतना निस्वार्थी बनता है, इतना प्रेमी बनता है कि कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारियों के अंदर ईश्वर को ठीक प्रकार से जानते हैं, मानते हैं, थोड़ा मानते हैं, और अधिक ईश्वर को जानने का प्रयास करें, और अधिक मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास करें, और अधिक ईश्वर को अपने मस्तिष्क में बिठा करके दिन भर ईश्वर को साथ में लेकर चलें, हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आज संसार जो है अंधकार में भटक रहा है, देखिए आप चारों तरफ, विदेशों की बात तो मैं क्या करूं, मैं देश को देखिए आप, जो वेदों को उठा के देखते हैं, दर्शनों को उठा के देखते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं और तुलना करते हैं आज हमारे देश की, भारतीयों की, यहाँ के जीवन की, खान पान की, चरित्र की, आचार विचार की, परंपराओं की, लक्ष्य की, मार्ग की, साधनों की, बहुत अंतर दिखाई देता है। कारण क्या है, कोई कमी है हमारी। परमपिता परमात्मा हमारियों पे कृपा करें, ऐसी कृपा करें कि हम परमपिता परमात्मा अपने हृदय में रख करके अद्भुत कार्य करें। हमें एक उपाय एक अपनाना है, मैं अपने गुरुजनों से सुना है, एक उपाय, हम अपने घर में रहते हैं अकेले ना माने, हम कमरे में अकेले हैं ये मान के चलें, हम दो हैं, मेरे साथ में ईश्वर है। पति पत्नी हैं ये मान के चलें, हम पति पत्नी नहीं हैं, हम तीन हैं, परमपिता परमात्मा मेरे पास में हैं। बच्चे भी हैं, दो बच्चे हैं तो पांच मान के चलें। हम अपने घर के अंदर ईश्वर को भुला देते हैं, केवल ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, उस समय ईश्वर की अनुभूति रहती है, बाकी ईश्वर को दबा देते हैं अथवा ईश्वर निकल जाता है। हमें यह प्रयास करना है, जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी ईश्वर है, उसको हर पल, हर समय, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, हर समय मस्तिष्क में रखें कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ में है। अद्भुत शक्ति मिलती है अनुभव,
ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का बल, ईश्वर का साहस, ईश्वर का पराक्रम प्राप्त करके व्यक्ति एक अकेला पता नहीं कितने कार्यों को कर सकता है। परमपिता परमात्मा हमको शक्ति दे, हम उस परमपिता परमात्मा को ठीक प्रकार जान करके और ना केवल अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर, ना केवल अपने गांव में, नगर में, राज्य में, ना केवल देश में, संपूर्ण विश्व के अंदर और परमपिता परमात्मा की स्थापना करें। आर्य समाज का, स्वामी ध्यान जी का सबसे बड़ा मुख्य लक्ष्य यह है। एक लक्ष्य की पूर्ति कर देंगे, स्वतः अपने आप सारे लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। हमारा कार्य क्या है? हमारा लक्ष्य यह है, मनुष्य के हृदय के अंदर, उसकी बुद्धि में, उसकी आत्मा में, उसमें मन में परमपिता परमात्मा के प्रति श्रद्धा और निष्ठा और रुचि और प्रेम और विश्वास पैदा कर दें, सारे काम स्वतः हो जाएंगे। बस एक ही काम करना है। आज व्यक्ति जो बिगड़ गया है, विनाश हो रहा है, उसका एक ही कारण है, हमने अपने जीवन में से ईश्वर को या तो निकाल दिया है अथवा दबा दिया है अथवा थोड़े से काल के लिए याद करते हैं। वो परमपिता परमात्मा 18 घंटे जागृत काल में बहुत शक्ति बल देने वाला है, बस एक ही काम करना है। अंत में 2 मिनट के लिए उस परमपिता परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। 3 शब्द है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ये 3 शब्द है, इसको महाव्याहृतिया कहते हैं। गायत्री मंत्र से प्रारंभ में 3 शब्द हैं, इनको हम परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके इनका जप करेंगे। भू शब्द का अर्थ है जो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, जन्म देने वाला है, उसके कारण हम जीवित हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। भू शब्द का अर्थ है जो कि दुखों को दूर करने वाला है, हर प्रकार के दुख को, भय को, पीड़ा को, रोग को, समस्त प्रकार की कमियों को, त्रुटियों को दूर करने वाला है। और स्व का मतलब है जो आनंद देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, बल देने वाला है, उत्साह देने वाला है, पराक्रम देने वाला है। ये 3 शब्दों के अर्थ है। इन 3 शब्दों को लेकर के हम जप करेंगे। केवल 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, सीधे होकर बैठना है। मैं जिस प्रकार से बोलता हूं उसका अनुकरण करना है। ओम भूर, ओम भूर, बोलिए 2 बार, ओम भूर, ओम भूर। आप सुनेंगे, ओम भुवः, ओम भुवः, बोलिए, ओम भुवः, ओम भुवः। सुनेंगे, ओम स्वः, ओम स्वः, बोलिए, ओम स्वः, ओम स्वः। आप सभी मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, 2-2 बार बोलना है। मन में भावना बनानी है, परमपिता परमात्मा मेरे अंदर है, मेरे शरीर में है, मेरे मन में है, मेरी इंद्रियों में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी आत्मा में है, मैं उसमें डूबा हुआ हूँ, वो मेरे में है, मैं उसमें हूँ, ऐसा मन में भावना बनानी है, सच्ची भावना बनानी है। और इन 2-3 शब्दों को 2-3 बार बोलेंगे हम, उसके बाद समाप्त करेंगे। अभी किसी समय किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना है। आंखें बंद, हम कहाँ बैठे हैं, कौन सा स्थान है, कौन सा समय है, कौन से कपड़े पहन रखे हैं, इस बात की भी अनुभूति करनी है। केवल अपनी आत्मा को और आत्मा में बैठे परमपिता परमात्मा का स्मरण करना है। इसको कहते हैं भावना ईश्वर प्रणिधान। प्रारंभ करेंगे, ओम भूर, ओम भूर, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम भूर, ओम भूर, ओम भुवः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम स्वः, ओम भूर, ओम भूर। महानुभाव, परमपिता परमात्मा जो हमारे हृदय में है, हम कभी कभी उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं, बाकी समय भुला देते हैं। बस आध्यात्मिक रहस्य यही है, यही योगाभ्यास है, यही भक्ति है, यही पूजा है, कि हर समय
आंख खुलने से लेकर के आंख बंद होने तक हर समय मन में अनुभूति बनाए रखें कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ में है, मेरे शरीर में है, मेरी बुद्धि में है, मेरी अंतःकरण में, मेरी आत्मा में है, और उससे मांगे हम। बहुत ईश्वर के पास में शक्ति है, ज्ञान है, बल है, हमारी कमी है, हम उसको मांग नहीं पा रहे हैं, उसके पास तो भंडार भरे हुए हैं। परमपिता परमात्मा की कृपा हो कि हम उस परमपिता परमात्मा से महान ज्ञान, महान बल, महान शक्ति, महान आनंद मांगे, अपने जीवन को महान बनाएं, अपने परिवार को, आगे चल के गांव को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को, जो कि आज अंधेरे में भटक रहा है, हमेशा प्रयास करें। इतना कहकर विराम देता हूं। ओम शांति।